डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट की। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। इसराइल हमास जंग, गाजा में 2400 से ज्यादा मौतें, 1000 मलबे में दबे। हमास से बंधकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करें, एंटोनियो गुटेरेस। भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है कनाडा, जस्टिन ट्रूडो ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। कोरोना ने एक बार फिर दी दस्तक, आशा बहु समेत 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड की हार से पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, अब खबरें विस्तार से। इसराइल में हमास के हमलों से अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसराइल के पलटवार से गाजा में 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मलबे में 1000 के करीब लोग दबे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट किया कि चूंकि हम मध्य पूर्व में रसालत के कगार पर है, मेरी 2 मानवीय अपील है, हमास से बंधकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसराइल के लिए मानवीय सहायता के लिए तेजी से और आबादित पहुंचे। गाजा में नागरिकों की खातिर सहायता दी जानी चाहिए। भारत ने कनाडा के करीब 40 राजनयिकों को देश छोड़ने की अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कनाडा भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले कनाडा ने सीनियर अधिकारी का बयान आया था और अब कनाडाई पीएम ट्रूडो ने हिंदुओं के बड़े त्योहार नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में रविवार को आशा बहु समेत 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों संक्रमित को घरों में क्वारंटाइन किया गया है। गत विजेता इंग्लैंड को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में एक बड़े उलटफेर का शिकार होना पड़ा। अफगान टीम में इंग्लैंड को 69 रनों से मात देने के साथ पॉइंट टेबल में हलचल मचा दी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट कॉम।